पीछे ही पड़ी रहती है। ओहो, हुआ क्या? कुछ बताओगी भी या फिर अपनी आल पता निकालती रहोगी? ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुम्हारी माँ सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम्हें बताओ, अगर मैंने थोड़ा सा टीवी देख लिया तो इसमें कौन सा बड़ा बाहर टूट पड़ा? घर का सारा काम मैं करती हूँ ना। अगर थोड़ा सा टीवी देख लिया तो इसमें मुने के जोर पड़ गया। तुम्हें बताओ मुझे अब। अरे यार, ऐसी छोटी छोटी बात अपना मन में छोटा कर लो। छोटी बात? ये तुम्हें छोटी बात लगती है? मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे मेरे घर जाना है बस। अरे यार, भगवान ने दो दो कान दिए, एक कान सुनो तो उसे निकाल दिया करो। कैसे निकाल दिया करूँ? कल ही की बात ले लो, मैं कपड़े धो रही थी, तुम्हारी माँ आई और कहने लगी यहाँ साबुन लगाओ वहाँ साबुन लगाओ। ये बताओ क्या मुझे कपड़े धोने नहीं आते? क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें बताओ क्या करूँ मैं, तुम्हें बता दो। अरे यार, इतने छोटे में तुम तो पतंगली बना के रख देती हो बिल्कुल। कैसे पतंगना बनाऊ? तुम्हें बताओ, अगर मैं मोटर चलाती हूँ तो इनकी माँ कहती है मोटर बंद कर दे। अब तुम बताओ, अगर पानी नहीं भरा जाएगा तो हम पानी पियेंगे कैसे? कपड़े कैसे धुलेंगे? बर्तन कैसे बनेंगे? सफाई कैसे होगी? तुम्हें बताओ। अरे यार ऐसा तो होता ही है, हर माँ यही कहती है। बेटा ऐसा मत करो, असमंजन से बहुत प्यार करती है। प्यार कुछ नहीं करती, बस दिखावा करती है। कुछ नहीं तो ये बोलती है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर दबा दो। पता नहीं गले में कब दर्द होगा। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, मुझे मेरे घर जाना है बस। अरे यार, तो बहुत देर नाम है, मुझे तो पता है तुमने खाना बाहर ही खाना पड़ेगा, तो जा रहा हूँ बाहर। हाँ जाओ जाओ, तुम्हारा भी रोज का यही नाम है। चोट लग गई, देखना माँ जी। विजय को फोन कर आती। आई मर गई, लग गई, आई आई। ये विजय का नंबर क्यों नहीं लग रहा? मैं डॉक्टर साहब को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं विजय की माँ बोल रही हूँ। बहू रानी के ना चोट लग गई है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। मैं इतने घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी। कोई है घर में? आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ माँ जी? पुराने की चोट लग गई डॉक्टर साहब, देखना। दिखाना, मैं भी पट्टी कर दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। विजय का काम सही चल रहा है? हाँ सब सही है। और घर में सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। माँ जी लो ये मैंने दवाइयाँ लिखी है, टाइम पे देती रहना। डॉक्टर साहब आइए, मैं आपको छोड़ा। डॉक्टर साहब, रानी की हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी? नहीं नहीं माँ जी, मामूली सी तो बात है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। रानी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। साड़ी ले लो, साड़ी, फैंसी डिजाइनर साड़ी। अरे बेटा, साड़ी दिखाना। ये लो माँ जी। बेटा ये नहीं, वो वाली दिखाओ। माँ जी वाली भी बहुत अच्छी है, फैंसी डिजाइनर साड़ी है। नहीं बेटा वो वाली दिखाओ, वो वाली। माँ जी ये वाली। नहीं बेटा, वो जो डिजाइनर साड़ी है ना उसके नीचे। माँ जी ये वाली। ये वाली, ये कितने की है? ये 2000 रुपए की है। 2000? नहीं, मैं तो इसके 1000 रुपए दूंगी। नहीं माँ जी, इसके 2000 रुपए ही है। नहीं बेटा देखो, मैं तो इसके 1000 रुपए दूंगी। नहीं माँ जी, ये सस्ती नहीं है, महंगी वाली है। बेटा लो, अगर तुम्हें देनी है तो दो, वरना तो। अच्छा माँ जी ले लो, बिक्री का टाइम है। लो बेटा, लाओ माँ जी। आपको नहीं पता मैं ये कलर कब से खरीदना चाहती थी, मुझे कलर बहुत पसंद है माँ जी। पसंद आई बेटा? हाँ माँ जी। मैं भी, मैं तो काम कर ले, तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ।
बताती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ जी। मैं कितनी बुरी थी जो अपनी माँ जी को इतना गलत समझती थी। मैं उनके शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज मुझे पता चला वो कितनी अच्छी हैं। वो मेरा इतना ध्यान रखती हैं। मैं उन्हें खामखा ही गलत समझती थी, मैं बहुत गलत थी। अगर मैं इस घर को छोड़ के चली जाती तो मैं कितना बड़ा पाप कर देती। मैं बहुत गलत थी, अपनी माँ जी के बारे में बहुत गलत सोचती थी। क्या हुआ भगवान, कैसे बैठी हुई हो? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद मैं जी नहीं सकी। गई थी, मेरा पैर फिसल गया, चोट लग गई मेरे। क्या तुम्हें छोटे डॉक्टर को फोन करता हूँ? नहीं नहीं, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है। माँ जी ने तो डॉक्टर को बुला लिया, वो दवाई दे के गए हैं। देखा, मैं कहता था ना मेरी माँ कोई नहीं है, तुम ही थी जो उन्हें बुरा समझती थी। हाँ तुम सही कहते हो, मैं बहुत गलत थी जो माँ जी को बुरा समझती थी। तुम्हें नहीं पता वो कितनी अच्छी, उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी साड़ी खरीदी, तुम्हें नहीं पता। आप तो नहीं जाओगी कभी घर? नहीं, मेरे को माफ़ कर देना, मैं हर दो मिनट में यही बात कहती रहती थी, मैं घर जाऊँगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी नहीं जाऊँगी घर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।